नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ही इस YouTube चैनल पर। देखिए, अगली वीडियो में मैंने आपको वर्ण विचार पढ़ाया था, ठीक उसी से संबंधित पार्ट टू है, जिसमें मैं आपको जो पाणिनि जो थे उन्होंने माहेश्वर सूत्र दिए कितने 14, उनको याद करने की दो ट्रिक्स बताऊंगा, दो आसान से तरीके बताऊंगा। अगर आपको ये इन दोनों में से कोई सा भी तरीका अच्छा लगे, पहला या सेकंड या दूसरा, तो आप वो से ही याद कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को लास्ट तक देखता रहना, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, कोई भी काम अगर आप जल्दबाजी में करोगे तो आपको याद नहीं होगा। तो आप आराम से वीडियो को देखिए, एक बार में समझ में नहीं आता तो पांच बार देखिएगा। अगर आप पांच बार देख लेते हो, उसके बाद अगर आप नोट डाउन कर लेते हो, तो आपको मेरी गारंटी 100% कि आपको ये याद हो जाएगा, आपको ये याद हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं जो हमें बुक्स में दिया हुआ है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। पाणिनि ने वर्णवाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। परंपरा के अनुसार महेश्वर ने अपने नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार डमरू बजाया, किन्हें महेश्वर ने, महेश्वर कौन भाई, भगवान शिव ने डमरू बजाया, उससे 14 ध्वनियां यानी सूत्र पाणिनि को प्राप्त हुए, है ना, पाणिनि को प्राप्त हुए। ये जो सूत्र है ये यहाँ पर लिखा रहा है। चलिए इसको छोड़ते हैं, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, यानी कि अपने मुद्दे पर। तो देखिए, ये है हमारे 14 सूत्र पाणिनि के, ये इस प्रकार है, है ना। अ ई उ रि ल ए ओ ए ओ अ य व र ल ऐ म य ण न झ भ घ ढ ध ज ब रा ड द ख फ छ ठ थ च ट त। और देखिए, और बाकी के और भी है जो कि दूसरे पेज पर थे, परंतु चलिए इनको छोड़ते हैं, बातें अपने ट्रिक पर। देखिए, मैंने पूरे पेज में नोट डाउन कर लिया है पूरे ट्रिक्स को, तो बहुत ही अच्छी ट्रिक्स है यार। वीडियो को लाइक कर दो इस ट्रिक्स के लिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आज तक आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी जिनमें आपको दो दो ट्रिक्स बताई हो। तो मैं आपके लिए बहुत रिसर्च करके दो ट्रिक्स लेकर के आया हूँ, चलिए अब बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका आता है अ ई उ। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पर ये ट्रिक्स देखिए, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बता रहा है, आई उड़, आई और उड़ गई। अब इस ड को हम किस में करेंगे, अणा में कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, आ से क्या हो जाएगा, आ से अ, ई से ये वाली ई, इस उ से ये वाला उ, और इस ड को हम परिवर्तित किस में कर देंगे, अणा में, जो कि आपको कोष्टक में समझाई दिया गया है, और इस उ से ये अण बन जाएगा। ये तीनों शब्द आपके आ जाएंगे, अ ई उ, ठीक है, ये आ गए। उसके बाद देखिए, जब आप इस पहले वालों को याद कर लोगे तो आपको ये दूसरा वाला तो याद रह ही जाएगा कि भाई अ ई ऊ न, और इसके बाद आएगा भाई रिलक, तो आपको याद रह जाएगा। उसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर का ए ओ, तो आपको क्या याद रखना है, बस ए और ओ, ये ए और ये ओ याद रखना है। इससे इस ए से तो बन जाएगा भाई आपका ये ए, ठीक है, और इस ओ से बन जाएगा आपका ये ओ। पीछे क्या लगा देना आपको, ई, पीछे आपको ये लगा देना है, ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा। उसके बाद देखिए, चौथे वाले में आपको क्या करना है, चौथे वाले में भी आपको यही करना है, ए और ओ तो आपको याद रह ही गया होगा, है ना। इसके आगे आपको क्या लगा देना है, इसके आगे अ लगा देना है, इसके आगे आपको आ लगा देना है, तो ये तो बन जाएगा आई, यानी कि बड़ा वाला ए, आई यानी कि बड़े वाला है, और ये ओ बन जाएगा ओ, ये बड़े वाला ओ, तो ये क्या हो गया ए ओ, और पीछे पीछे आपको क्या लगा देना है, च, है ना, ये आधा च, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, पांचवें नंबर का है हाई व र ट, हाई व र ट, तो देखिए ये इसकी ट्रिक है, हाई वर टरक, हाई वर टरक इसकी ट्रिक है, ठीक है। तो इससे हा से क्या हो जाएगा, ह से हो जाएगा हमारा ह, ठीक है, और यस का य आ जाएगा, व से व आ जाएगा, र से र आ जाएगा, टरक से ट बना, ह व य र ट, हाई वरट, है ना, हाई वरट, हाई वरट, ठीक है ना, हाई वर ट्रक। अब जब जब ट्रक में पर वर चला गया तो भाई लड़ाई होगी, क्या ये लड़, देख सकते हैं आप ये लड़, ठीक है, तो लड़ से जो है आपका ल बन जाएगा। उसके बाद देखिए, लड़ाई होगी तो उसके बाद कुछ सुनाई नहीं देगा, तो क्या जाएगा,
ये देखिए आप जो भी है ये अयम नम है ना, ये आ जाएगा इसका थूक। तो आपको सातवा इस प्रकार से याद रखना है। आठवा आपको किस प्रकार से याद रखना है? आप आठवा आपको इस प्रकार से याद रखना है कि जैसे कि जब लड़ाई हो गई तो एक को जो पड़ी वो झबाक से पड़ी, तो क्या हो जाएगा? झबाक से हम जब निकालेंगे अपने ट्रिक बनाएंगे तो झबज, झबाक से क्या बनेगा भाई? झबई। क्या बनेगा? झबई। ये झबई ठीक है, ये झबई बनेगा झबाक से, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका आठवा। कौन सा जाएगा भाई? आपका ये आठवा। उसके बाद देखिए भाई, उसके बाद नौवा आपका। नौवे में आपको क्या करना है? आपको याद रखना है कि भाई उसने जो है जमीन में धस दिया किसी को। एक ने क्या किया? एक ने जमीन में थोड़ा सा खड्डा था तो उसमें धस दिया, तो उससे क्या धसने से क्या बन जाएगा? घड़ धस ठीक है, घड़ धस। उस एक ने क्या किया? एक ने जबरदस्त मारा उसको जबरदस्त, तो उसमें क्या आ जाएगा? जब गढ़ दश। क्या जाएगा? जब गढ़ दश, जब गढ़ दश ठीक है। ये आ जाएगा आपका, है ना, ये हो जाएगा आपका नवा, ठीक है। जब गढ़ दश नहीं, जब गढ़ दश वाला होगा आपका दसवा, और ये होगा आपका नोवा, है ना, दश वाला नोवा। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, आगे जब, उसके बाद देखिए ग्यारह वाले में आपको क्या याद रखना है? ग्यारह वाले में आपको याद रखना है, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसमें आपको याद रखना है कि खाया फल। क्या खाया भाई? खाया फल ये आपको याद रखना है ना। और उसके बाद छटा लिखने ना आपको, छटा था खाया फल, छटा था मतलब जो आपने फल खाया वो कौन सा था? छठवा था, छठवा वाला। मतलब पांच फल कोई और खा गया, आपने कौन सा खाया? छठा फल खाया, खाया फल छठा था। उसके बाद चाटा तवा, ठीक है ना, चाटा तवा। तो ये आपको ट्रिक याद करनी है। अब देखिए इससे किस प्रकार से हम सूत्र को बनाएंगे, तो देखिए ख से क्या जाएगा? ख वर्ड आ जाएगा, य से देखिए खाया। अब य को आपको क्या रखना है? साइलेंट। इस य को साइलेंट रहेगा, उसके बाद फ से क्या बन जाएगा? फ बन जाएगा। उसके बाद ल को क्या रखना है? साइलेंट। उसके बाद छ से क्या बन जाएगा? छ वर्ड बन जाएगा। उसके बाद ट को क्या रखना है? साइलेंट, या फिर साइलेंट न रखो आप, तो देखिए आपको ट से बन जाएगा ठ, ट से ठ बन जाएगा, ठीक है, आप जैसे मर्जी चाहे वो रख सकते हो। उसके बाद था से हमारे क्या बन जाएगा? था से हमारा थ वर्ड बन जाएगा। उसके बाद चाटा, तो च से क्या बन जाएगा? तो च से च बन जाएगा, टा, टा से ट बन जाएगा। तवा, ट से क्या बन जाएगा? त, और वा से व, तो आपको बन जाएगा ख फ छ ठ थ च ट त व, ठीक है ना। ये आपका सूत्र बन जाएगा इलेवंथ, यानी ग्यारहवा वाला। उसके बाद देखिए बारहवें में आपको क्या याद रखना है? उसके बाद देखिए जब इसने चाटा तवा, तो भाई लोग तो पूछेंगे भाई कि क्या पाया तूने भाई तवा चाट करके, तो वो मतलब क्या पाया है ना, तवा चाटा तूने तो क्या पाया? तो देखिए क्या से, क से क्या बनेगा भाई? क, है ना, और पाया, तो इसमें जो क ये या है ये तो साइलेंट रखना ही है, ठीक है। उसके बाद प, प से क्या बन जाएगा? प, य से फिर य, क प य, बार वाला सूत्र आपसे क्या पाया से बन जाएगा। उसके बाद देखिए जब क्या पाया तो उसने जवाब दिया, उसका मुंह तो भाई जल रहा है कि तवा क्या होता है, गर्म होता है, तो उसके मुंह से सर्रट निकलते हैं, स स स स स ऐसे करता है, तो मतलब उसमें उसमें उष्मा निकलती है उसके मुंह से, तो उसमें व्यंजन आपको यहाँ पर रख देना है, जैसे कि श श स और र, तीनों प्रकार के श और र, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉब्लम जो है, ये जो सूत्र हमारे ये हल हो जाते हैं, हल। बाद में क्या जाएगा आपका? हल आ जाएगा चौदहवें नंबर पर। क्या जाएगा भाई? अब आपका हल हो जाएगा, और आपके ये सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। क्या करना है भाई पहली ट्रिक में? आपको पहली ट्रिक में आई उड ए ओ फिर इसके बाद अ आग लगाना है, उसके बाद हाई वर्टर फिर लड़, उसके बाद जो भी कहानी बताई मैंने वो कहानी, उसके बाद खाया फल छठा था, है ना, और चाटा तवा, उसके बाद क्या पाया, उसके बाद सर्राटे निकले, उसके बाद प्रॉब्लम हल हो गई। ये हो गया हमारी ट्रिक नंबर वन। कौन सी ट्रिक? ट्रिक नंबर वन, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं ट्रिक नंबर टू की, तो चलिए हम ट्रिक नंबर टू देखते हैं। तो देखिए ये ट्रिक नंबर टू मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। चलिए ये हमारी ट्रिक नंबर टू, देखिए इसमें जो है आपको फ़ोन अपने हिसाब से आपको रख लेना है, किस प्रकार से आप एडजस्ट करते हैं ये मैं नहीं जानूँ,
मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ट्रिक नंबर टू है, देखिए मैं आपको पेंसिल से समझा देता हूँ। देखिए आपको स्वर जो है उसमें अरे वाली ट्रिक लगानी है। कौन सी ट्रिक लगानी? अरे, ये याद रखना है पहले। अरे सबसे पहले इस वर्ड को याद रख लिया, मान लिया अरे आपको याद हो गया, तो इससे आपको किस प्रकार से बनेगा देखिए। जैसे ही आपने अरे याद रख लिया, ठीक है, अरे आपने याद रख लिया मान लेते हैं, तो अ से क्या बन जाएगा? अ से अ ई ऊ अण, अ ई ऊ अण, ठीक है, पहला वाला अ से याद हो गया। उसके बाद कौन सा वर्ड आ रहा है? र, तो र से क्या हो जाएगा? र से री लृ क, दूसरा वाला है र से याद हो गया। उसके बाद ऊपर क्या आ रहा है? ए, ए से क्या बन जाएगा? ए ओ अण, और फिर इसी ए से एक और बनाना, मतलब ए प्लस ए, इसी ए से मतलब ये बड़े इसको कर देंगे, बड़े से क्या बन जाएगा? आई, बड़े से आई है ना, आई औ और च, ये चारों सूत्र आपके अर से कंप्लीट हो जाएंगे। एक ट्रिक नंबर टू की बात कर रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद पाँच से सातवें में आपको किस प्रकार से याद करना है ट्रिक नंबर टू से, वो देखिए आपको याद रखना है हई और लई, क्या याद रखना है? हई और लई, ये लई इस प्रकार का, ठीक है। तो देखिए जब आप इनको याद रख लोगे तो देखिए ह से आपको क्या बन जाएगा? हाय ह य व रट, देखिए ये वाला बन जाएगा ह य व रट, ठीक है। उसके बाद य जो है ये आपका क्या रहेगा भाई? साइलेंट रहेगा, इसको आपको यूज में बोल बस याद रखने में रखना है, उसके बाद इसमें यूज नहीं आना है, साइलेंट। उसके बाद देखिए ल है, तो ल से क्या बन जाएगा आपका? आपका ल से बन जाएगा ल ण, ल ण, ठीक है। उसके बाद देखिए य जो है, इस य को आपको यूज में लाना है, इस य से बन जाएगा आपका यमननम, यमननम, ठीक है ना, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है सात जो है आपको सूत्र कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आठ से ग्यारह के सूत्र आपको किस प्रकार से याद करना है? देखिए एक कहानी याद रखनी है कि झबकि ली तो जमीन में धस दूंगा, पहली लाइन क्या? झबकि ली तो भाई जमीन में धस दूंगा, तो झबकि, झबकि से क्या बन गया आपका? झबज, पार्ट नंबर याद, झबज भाई सिंपल है यार। देखिए झबकि ली तो जमीन में धस दूंगा, तो दस से क्या बना आपका? दब से बन जाएगा आपका घड़ दस, दस से क्या बन जाएगा आपका? घड़ धस, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है जब तक मानेगा नहीं हम तब तक दस्ते रहेंगे, जब तक मानेगा नहीं हम तब तक दस्ते रहेंगे, तो जब तक मानेगा नहीं तब तक दस्ते रहेंगे, तो जब से क्या बन गया? जब, है ना, मानेगा नहीं तब तक घड़ दस्ते रहेंगे, तो घड़ दस, मतलब दस बार दस्ते रहेंगे जब तक मानेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये दसवां नंबर आपका कंप्लीट। उसके बाद पिटाई होने लगी, नहीं माना भाई वो, उसकी पिटाई होने लगी, तो भाई कुछ सोच नहीं पड़ा, तो क्या हुआ? ख फ छ ठ थ च ट त व, मतलब इतना वर्ड मतलब धुला जाती थी भाई, पटापट पटापट कैसे बजाती, कुछ सोच नहीं पड़ती उसमें क्या वर्ड सुना रहा है क्या वर्ड नहीं। तो आपको इस प्रकार से ग्यारह सूत्र आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपका इस प्रकार से आठ से ग्यारह के वर्ड ट्रिक नंबर टू से कंप्लीट होते हैं। उसके बाद देखिए ट्रिक नंबर टू से ही हम देखिए बारह से चौदह किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। देखिए कप में चाय पी, कप में चाय पी, यहाँ तक आपको याद रखना, कप में चाय पी। उसके बाद देखिए कप से आपका क्या बन जाएगा? कप और चाय, चाय से आपका क्या बन जाएगा? य, है ना, यानी कपई, ठीक है, कपई आपको बारह कंप्लीट। उसके बाद देखिए चाय पी तो किसके वजह? सर्राटे की, सस, 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 चाय बहुत गर्म थी भाई, उसका मन इतना चला उस चाय पर, कुछ तो फटाक से फुर पी ली, तो उसके किसके वजह? सस, मतलब उसमें उष्मा की, उसमें नहीं उष्मा निकली, तो वो कौन सा? फिर से तेरा वाला, यानी कि तीनों प्रकार के स और श, श, श और र, ठीक है, तेरा वाला कंप्लीट। उसके बाद देखिए चौदह नंबर का आपका क्या हो जाएगा? फिर से प्रॉब्लम उसकी पूरी सोल्व हो गई, मतलब पेज सूत्र है वो सोल्व हो गए, हल हो गए, तो आपका हल वाला आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस, आशा करता हूँ आपको जो भी ट्रिक्स बताई मैंने आपको आपको बहुत पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इसे शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आपका फर्ज बनता है यार, मैंने वीडियो बहुत ही मेहनत करके बनाई है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर शेयर किया करो।